हेलो फ्रेंड्स आज हम इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बच गए थे उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे लास्ट वीडियो में हमने सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट किया था इसमें हम एटी सिक्स से हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे ये अमेंडमेंट्स एक्ट्स का सेकेंड वीडियो है अलाट टू नो अलॉट टू डिस्कस और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये क्या कहता है इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक्ट लाया गया था और वो भी एजुकेशन कैसी होगी कंपलसरी होने के साथ साथ फ्री एजुकेशन रहेगी तो इसको तीन जगह पे ऐड किया गया फर्स्टली आर्टिकल 21 अंडर द सब क्लॉज ए एज अ फंडामेंटल राइट ऐड किया गया आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इसको एड किया गया और क्या कहा गया कि प्रोवाइडेड फॉर दी फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर चौदह से छः से चौदह साल के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा मिलेगी इसके अलावा आर्टिकल फिफ्टी वन अंडर द सब क्लॉज ए में फंडामेंटल ड्यूटी में इसको ऐड किया गया और सेम चीज़ वही है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में ऐड हो गया फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड हो गया इसके अलावा डीपीएसपी में भी चेंजेस लाए गए डीपीएसपी मींस क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें चेंजेस इन द डी आर्टिकल फोर्टी फाइव प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल द चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स सेम चीज है बस ये याद रखना है कि एटी सिक्स अमेंडमेंट कब हुआ 2002 में हुआ इसमें क्या चीज कही गई कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू टू स्टूडेंट ओके दिक्कसेंट ओकेमेंट नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री ये क्या कहता है इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक न्यू आर्टिकल सेवेंटी फाइव एड किया गया मतलब अंडर दिस सब वन ए में एड किया गया और इसमें यह बताया गया कि जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं कितने होते हैं टोटल 545, 545 ठीक ओके okay. इसको इसमें ये क्या कहा गया प्रोवाइड दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा इज नॉट एक्सीड दिन 15 परसेंट मतलब कि 15 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक तो 15 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 445 का 15 परसेंट निकालेंगे तो 81 वन परसेंट अप्रॉक्स आता है 81 परसेंट एंड डेसिमल में आता है तो डेसिमल को एज अ ह्यूमन नहीं ले सकते इसको इसलिए 82 टू टोटल लेते हैं मतलब कि 545 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे एटी क्या आपको ये पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सी इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं इट इज़ द बेसिकली कंसिस्ट थ्री मिनिस्टर्स फर्स्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स पीएम तो सबसे टॉप में रहेंगे पीएम के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद हो जाएंगे स्टेट मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर्स के बाद डिप्टी मिनिस्टर्स ये चार चीज लेकिन अभी इंडिया में डिप्टी मिनिस्टर्स के पोस्ट पे कोई भी नहीं है तो अभी तीन चीजें हैं ठीक उसके बाद ये हो गया आर्टिकल 75 ए इसके बाद इंसर्टेड द्रेड क्लॉज अंडर डी आर्टिकल 75 सब क्लॉज वन बी इट प्रोवाइड्स देंबर ऑफ आईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द एनी पोलिटिकल पार्टी दैट इज डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ ये बेसिकली वही कहा गया है कि यदि कोई मंत्री एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यदि गलत पाया जाता है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे या डिस्क्वालिफाई कर देंगे उसके मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर से ओके okay? और यही चीज सेम चीज फॉलो होती है स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य में जो लेजिस्लेचर होती है उसके लिए भी जो ये फिफ्टीन परसेंट वाला कॉन्सेप्ट है सेम स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही चीज फॉलो होती है कम टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट नाइनटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन इसमें क्या किया गया अंडर द आर्टिकल ट्वेंटी फोर अंडर सब क्लास ए क्या कहा गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको एनजे बोला जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ये ये किया कि इस कमीशन को बना के जो जजेस का ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट हो गया उसको बेसिकली अपने हिसाब से ए, मतलब इस कमीशन को इस्टेब्लिश कर गया था तो जो जजेस थे वो इस चीज़ का अपोज करने लग गए कि यदि ये कमीशन बन गए तो हमारा जो सारा बागडोर है वो मेनली गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी तो हम फ्री नहीं रह पाएंगे इसलिए इस चीज़ को अपोज किया गया और पहले किस तरह होता था अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर और सारी चीज़ें वो कॉलिगियम सिस्टम इसके थ्रू होता था पहले तो इसको फिर से अपोज किया गया और दोबारा हटा के फिर से कॉलिगियम सिस्टम को लागू कर दिया गया एट प्रेजेंट में भी कॉलीगियम सिस्टम के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के ओके कम टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट अमेंडमेंट हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन ये सब जानते हैं बेसिकली बहुत ईजी है इंट्रोडक्शन ऑफ जी एस टी वॉट इज द फुल फुलॉम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इट वॉज इंट्रोड्यूसड जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकते हैं जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन कम टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट और ये कब लगाया गया दो हजार अठारह में क्या कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द दस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओके बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था किसके थ्रू हंड्रेड अमेंडमेंट एक्ट टू के थ्रू इसके बाद आता है हंड्रेड अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में पास किया गया था इसमें जो आपने सुना है ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस का फुल uh, फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो इसके थ्रू कहा गया जो भी जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं उनको 10% परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा तो किसमें रिजर्वेशन मिलेगा तो जो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स, इन दोनों में 10% परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा यही है ई डब्ल्यू एस कम टू दवर लास्ट अमेंडमेंट एक्ट हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट इसमें क्या कुछ नहीं कहा गया बेसिकली ये था कि जो हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एस सी और एस टी के जो सेशन था वो एक्सपायर होने वाला था लोकसभा में तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया किसके दस साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था डेड लाइन ऑफ द सेशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन दोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाई द पीरियड ऑफ टेन ईयर ओके एंड दिस इज दी एंड ऑफ द वीडियो आपने यदि कुछ भी नॉलेज पाया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एट लास्ट बट नॉट विलिस शिवन राजपूत साइनिंग आउट